के लिए टेबल टेनिस खेलती हूँ। मैं नेशनल चैंपियन हूँ अंडर 15 गर्ल्स की। मेरी जर्नी टेबल टेनिस की मेरे पेरेंट्स को देखकर स्टार्ट हुई। मेरे पापा एक दिन मैच खेल के आए और मैंने उनका रैकेट सही ग्रिप में पकड़ा, बिल्कुल फर्स्ट टाइम जब मैंने होल्ड किया था। तो तब से मेरे को था कि चलो एक बार ये ट्राई करना, मुझे भी खेलना। और फिर जब मैंने ट्राई किया तो मुझे कनेक्शन लगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा खेलना। और उसके बाद से देयर इज नो लुकिंग बैक। मेरे अभी तक 39 इंटरनेशनल मेडल्स हैं और 49 नेशनल लेवल मेडल्स हैं। मेरे इंस्पिरेशन शरद कमल है, जो कि काफी बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, बहुत अच्छे इंटरनेशनल लेवल प्लेयर है मेंस के। मेरा अभी जो शॉर्ट टर्म गोल है वो है यूथ ओलंपिक्स जो होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, उसमें देश का नाम रोशन करना बाय विनिंग गोल्ड मेडल, और 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल लाना। बहुत मुश्किल गोल है, बट आई विल डू इट। मुझे यंग जीनियस में आकर बहुत अच्छा लगा, जब मुझे पीवी सिंधु जी से बात करने को मिली, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 है बैडमिंटन में और एक इंडिया की लेजेंड प्लेयर है। तो मतलब वो तो एकदम आइसिंग ऑन द केक था। तो मैं चाहूंगी उन्हें फॉलो करना, जैसे उन्होंने देश का नाम रोशन किया मैं भी वैसा करना चाहूंगी। मैं यंग जीनियस के थ्रू उन सब बच्चों को मैसेज देना चाहूंगी जो कि मेरे एज ग्रुप के हैं और या फिर मेरे से छोटे हैं। ये जो टाइम है ये बहुत ही ज्यादा करियर ओरिएंटेशन का है। आप फोकस करो अपने गोल्स पे, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। जब आप कुछ बन जाओगे तो आपके पास बहुत टाइम होगा और आप उस टाइम पे मजे कर सकते हो। रोहतक में एक स्पोर्ट्स मीट हुई थी लॉकडाउन के जस्ट बाद। वहाँ पे जो हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं श्री दुष्यंत चौटाला जी, जो कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं, वो आए थे। उन्होंने मुझे पहचाना और मुझसे पूछा कि आपको अगर किसी चीज की प्रॉब्लम हो रही है और आपको कुछ चाहिए जो अभी अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे बताओ। मैंने उन्हें बोला कि मुझे एक रोबोट चाहिए, तो उन्होंने उसी टाइम अपने पीए को बोला कि आप इस गुड़िया को एक रोबोट अवेलेबल कराइए।